शिवपुर में आज केंद्रीय मंत्री तोमर ने तिरंगा झंडा दिखाकर किया तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। आज़ादी के 75वें सालगिरह पर आयोजित अमृत महोत्सव अंतर्गत शनिवार को शिवपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया, जहां तिरंगा यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री और शिवपुर मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने तिरंगा झंडा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया, जहां तिरंगा यात्रा में बोहरा समाज का हुसैनी बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। जहां बता दें कि केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान शिवपुर पहुंचे, जहाँ तोमर ने सर्वप्रथम किला परिसर शिवपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उसके उपरांत केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवपुर के पटेल चौक तक पहुंच तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यह पटेल चौक से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा बड़ौदा रोड के रास्ते पुल दरवाजा टोड़ी बाजार होती हुई मेन मार्केट होती हुई गांधी चौक गुलंबर पर पहुंची। तिरंगा यात्रा का नगर भर में नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यहां पटेल चौक से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा गांधी चौक पहुंचे कर सम्मान हुई। वहीं तिरंगा यात्रा के समापन उपरांत नगर पालिका परिषद शिवपुर केंद्र मंत्री तोमर के स्वागत के साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों का अभिनंदन भी किया गया। तिरंगा यात्रा में केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण व नगरवासी उपस्थित रहे। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। इस पर्व को मना रहे हैं, इस पर्व के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा। यह अभियान देश भर में चल रहा है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही है, हर घर में तिरंगा पहुँचे। ये तिरंगा सबकी आन बान शान बने, इस तिरंगे की ताकत को और शान को हम और बढ़ा सकें, इस दृष्टि से यह आयोजन समग्र देश में है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं शिवपुर आया था, किले पर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, क्योंकि किला पुरातत्व कार्यक्रम का स्थान हमारे शिवपुर जिले का है, हमारा अतीत का गौरव है, और इसलिए वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में प्रकाश में आए और आज बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। उसके लिए मैं सभी नागरिकों को, प्रशासन को, पार्टी को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चंबल नहर पानी छोड़े रहने का भी जो जानकारी लगी है, क्या ऐसा है, ऐसा कुछ है? चंबल नहर में पानी की आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि पानी नहीं बरसा था। मुझे परसों हमारे सुरेंद्र जाट जी, दुर्गालाल जी, महावीर सिंह जी, इन सब लोगों ने फ़ोन करके मुझे कहा था कि जो छोटा बैराज का वेस्टर्न वाटर है, अगर नहर में आ जाएगा तो किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने उस संबंध में बातचीत की और वो पानी आना शुरू हो गया। 3,000 क्यूसेक पानी शिवपुर के किसानों को नहर में इसके माध्यम से मिले। सर, देश के मानचित्र में पुनों की एक अलग पहचान होगी, शिवपुर की अफ्रीकन सीटें आएंगे, कैसे देखते हैं, कब तक आएंगे? आज किले पर ध्वजारोहण हुआ, इसके कारण शिवपुर का किला पूरे देश भर की निगाह में आया, और ऐसे ही अफ्रीकन और नामीबिया से 12 चीते लाने की योजना है, और साउथ अफ्रीका का एमओयू मुझे लगता है एक आध हफ्ते में हो जाएगा, नामीबिया का हो गया है, और सभी चीते एक ही जहाज से लाना है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगस्त और सितम्बर माह में यह काम पूर्ण हो जाएगा, और जैसे ही पूनों में चीता आएगा, देश नहीं दुनिया के मानचित्र पर शिवपुर पूनों। सर, प्रधानमंत्री आएंगे क्या? प्रधानमंत्री